अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और आपको वीडियो का इंट्रो से तो पता ही चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं और कितना मज़ा आया हमें। तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी हम निकल गए हैं, अफ्तारी वगैरह कर ली थी हमने। 10 o'clock हो रहे हैं यहाँ पर और रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा रश था। असल में हमारा सीवीओ का प्लान नहीं था, हम खाना लेने के लिए निकले थे 10 o'clock को रात को, तरावियाँ वगैरह पढ़ के। तो जब खाना लेने निकले ना बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो हमने कहा चलो अलग रोड पे निकल जाते हैं, सी व्यू चलते हैं। और आज का ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। ये फ्राइडे का ब्लॉग है, फ्राइडे वाले दिन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। तो फर्स्ट टाइम कराची का सी व्यू देखेंगे हम। तो आज का आपको पूरा ब्लॉग जो है ना आउटसाइड का ही मिलेगा। जैसे हम कहीं घूमने गए तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था इतना लंबा सा, जैसे जब फतह पार्क गए थे ना सिर्फ वही बनाया था। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको पूरा अच्छे से ब्लॉग बना के क्यों ना दिखाऊं। तो काफ़ी मज़े के यहाँ पर रास्ता आ रहे थे, बहुत ही अच्छा एरिया था ये वाला, क्लिफ्टन वाला और डिफेंस वाला एरिया ना। सी व्यू तो बना हुआ ही काफ़ी दूर है हमारे घर से, तकरीबन ये 1.5 hours का रास्ता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाते हुए। आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था ना, वेदर काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा कि चले वहीं निकल जाते हैं। वैसे सोचा ये नहीं था लेकिन निकल गए हम। तो यहाँ पे पहुँचते ना हमें 12 o'clock हो ही गए थे हमें आते आते यहाँ पर। और आके काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे रोड बने हुए थे, काफ़ी अच्छा एरिया था। और यहाँ पर हमने अपनी कार पार्किंग कर दी बिल्कुल सामने, जो ना सी व्यू नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइटनिंग भी बस हुई हुई थी, इसी चीज़ की कमी थी, बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये वीडियो में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइट किया हुआ है, जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, वरना ये भी नहीं। वैसे अगर आप देखें तो सामने सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन मोबाइल में वो चीज़ नहीं होती। अब आगे जाके यहाँ पर हमें हॉर्स मिले हैं, तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करूँगी। वैसे तो मैंने कैमल पे बैठना था लेकिन वो हमें नहीं मिले, वो जो ऊँट वाले थे ना वो चले गए थे, तो हमें ये मिले, तो हमने इस पर राइडिंग की है। फ़र्स्ट टाइम मेरी राइड थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो ब्राउन हॉर्स पे बैठे ना ये मेरे भाई हैं, मैंने वाइट कलर का हॉर्स चूज़ किया था, 2-3 जैसे हॉर्स थे, तो मैंने ये वाला चूज़ किया था क्योंकि मुझे ये लगी ये वाला प्यारा रहा था, बहुत अच्छा था ये वाला हॉर्स। और जब मैं बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन मैंने ना कैमल पे बैठना था फिर भी, लेकिन मुझे राइड तो मिल गई ना, हॉर्स राइडिंग फर्स्ट टाइम थी मेरी। एंड वीडियो भी बनानी थी मैंने, तो मैंने किसी और के हाथ में मोबाइल दिया कि वीडियो बनाए मेरी अच्छे से। बस दूर चली गई ना तो इतना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो तो बन ही गई है। और एक और भी ये वाला हॉर्स है यहाँ पर और इस पर भी अब कुछ लोग राइडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 12 o'clock पहुँच गए थे और अभी 1 o'clock हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और जाते जाते ना जैसे काफ़ी दूर है ना, तो जैसे सहरी बनानी पड़ेगी, तो पापा बोलते हैं होटल पे खाना खा लेते, बहुत पहले हो जाएगी सहरी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना खाएंगे कि हमें भूख नहीं लगेगी। जैसे होटल जाकर ज़्यादा खाना खाया जाता है ना, तो अभी हम जा रहे हैं साबरी निहारी खाने के लिए, तो वहाँ जाकर मैं आपको दिखाऊँगी साबरी निहारी। तो पाकिस्तान में आके मैं फ़र्स्ट टाइम होटल जाऊंगी, जैसे यहाँ पर कभी होटल नहीं गए ना जब से हम, तो अब हम होटल जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम, तो देखते हैं यहाँ के होटल कैसे हैं ना।
चलें जी अब हम घर जा रहे हैं और अब मैं अपने करने लगी हूँ ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।